मैं सब आपका स्वागत करता हूँ। जैसे गाड़ी चल रही है या जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने परिस्थितियाँ हैं, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, तो एक विचार आया था कि हम सब आपस में मिल करके आपस में डिस्कस करें, कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें। तो मेरा सबसे आग्रह है, जो भी हम कर रहे हैं इसे धीरे 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 एक दिए से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जलता रहे और फैले। डिटेल में बात, जैसे आज का विषय डायबिटीज है, इससे पहले हमारा क्या था, शिशु जन्म प्रक्रिया। ये कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं जो मनुष्यता के सामने आ खड़े हुए हैं, और जब तक हम आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाले फ्यूचर को इससे अवगत नहीं कराएंगे, उनको चेताएंगे नहीं, तब तक हम नहीं बच सकते। मैं बहुत बार बार सोचता हूँ, हमारे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, पढ़ने वाले आते हैं, जवान आते हैं, बूढ़े आते हैं, जब मैं कुछ इस बात में छेड़ता हूँ तो उनके भाव से ऐसा लगता है कुछ नहीं। तो परिस्थिति है, परिस्थितियाँ रहेंगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, बादल आएंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कर सकते हैं, मन बदल सकते हैं, मन स्थिति बदली जा सकती है। उसके लिए हमारे पास उपाय हैं, होम्योपैथी उसमें सहायता कर सकती है। इसके अलावा अब हम संक्षेप में इस विषय के बारे में, डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, प्रमेह, ये जो नाम दिए हुए हैं, इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, भरसक प्रयत्न करेंगे, और अपने दर्शकों से प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो भी हमारी वेबसाइट पर अगर उनके मन में प्रश्न उठते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। भाइयों और बहनों, आज का विषय है डायबिटीज़ या शुगर। नाम क्यों रखते हैं, जीवन में एक बार भी मन में नहीं उठा। मेरा भी नाम है, वह भी भारी भरकम, शायद इसलिए ही नहीं उठा। आज के विषय के संदर्भ में क्यों उठा, वही आपको बताता हूँ। बहुत दिन पहले एक वृद्ध लगभग 80 साल की आयु के आए, ऊंचाई करीब 6 फीट, कमर आगे को झुकी और हड्डियों पर चिपकी त्वचा, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, आंखें धसी हुई, ढांचा स्पष्ट कह रहा था इमारत बुलंद ही होगी। डॉक्टर, मैं डायबिटिक हूँ। कुर्सी पर आराम से बैठते हुए धीमी लेकिन कड़क आवाज़ में बोले, अच्छा नाम है, किसने रखा था, क्या? उनकी आंखें फैली, उनके वे भाव, वह चेहरा जिस पर ये भाव मूर्तिमान हुए, मन के कैनास पर आज तक अंकित है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे शुगर है। ओह, लेकिन कब से? 1975 से। क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त आज अर्थात 2016 में दिन में 3 बार 100 mg के इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूँ। तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से, क्यों जिंदा हूँ समझ नहीं पा रहा। एक काली घटा उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर उतर आई, उसके बाद वे नहीं आए। क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन यह मालूम है करोड़ों की संख्या में मैं डायबिटीज़ हूँ, विश्व में पसरे हैं। अब चूँकि नाम है तो नाम को जिंदा भी रखना है, नाम अमर रहे पुत्र होगा ही, एक गोली से दो और 2 से 3 लेनी होंगी। उनके लिए दवाई बनाने वाली कंपनियां बहुतायत में चाहिए ही। क्या कहा, गोली? घबराइए नहीं, राइफल की गोली की बात नहीं कर रहा, मारने के लिए वह तो एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्याप्त होती, इससे ज़्यादा खाने वाले हुए हैं लेकिन बिरले ही। इन गोलियों का कमाल या गाली साहब के हिसाब से अंदाज़े बयां यह है, मारती है प्यार से,
धीमे धीमे और आपकी सेहत के नाम से। खैर, नाम की आवश्यकता भी है और फ़ायदे भी। आवश्यकता इसलिए, नाम के बिना आपको समाज से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जन्म और मरण के सर्टिफिकेट, नौकरी, प्रशंसा, गाली, पति पुत्र आदि। फायदे अनेक हैं, डायबिटीज, शुगर या मधुमेह या कुछ और नाम से आप खूब कमा सकते हैं। डिस्पेंसरी, अस्पताल, नर्सिंग होम खोल सकते हैं, बंगले में रह सकते हैं, चमचमाती कार रख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय खोल तरह तरह की डिग्रियां मार सकते हैं। एक पंथ दो काज, आपका भला तो है ही, अन्यथा काज करेंगे ही क्यों। साथ ही डिग्री पाने वाले के भी बल्ले बल्ले होते हैं। आप दवाई की कंपनी खोल सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, विक्रेता हो सकते हैं, अधिकारी, सेवक या अन्य पदों के दावेदार हो सकते हैं। हाँ, नेता भी हो सकते हैं, यदि आपके पिताश्री या माताजी मंत्री हों। मुख्यमंत्री हों तो आपके पोबारे हैं। मुझे अधिक तो नहीं, कभी कभी भूत याद आता है। बचपन में भूतों से डरता भी बहुत था। जब जन्म हुआ, दूसरे विश्व युद्ध का माहौल था, धुंधली सी याद है। सेना में भर्ती से बचने के लिए मामा, चाचा, ताऊ तथा अन्य युवा दिन भर ईख के खेत में छिपे रहते। कभी कब्र फैलती, सड़क पर गोरों की लारी से उतर सिपाही कुछ युवकों को जबरन पकड़ कर ले गए हैं। उनके घरों से रुदन की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। सिपाही के नाम से ही सबके बदन कांपते हैं। तब नहीं समझा था, उम्र भी समझने की नहीं थी। लॉर्ड मेकाले की अनुकंपा से, जैसा कि लोग समझते हैं, आज समझ पाता हूँ कि भय से उबरने के लिए ही राम सिंह मामा ने अपने पहले पुत्र का नाम सर्व सिपाही सिंह सिसोदिया रखा। बाद में गौरव का प्रतीक बन नामों का यह सिलसिला पदों की अतृप्त आकांक्षा की पूर्ति का साधन हुआ। हवलदार सिंह, हवलदार मेजर सिंह, सूबेदार सिंह, कप्तान सिंह, मेजर सिंह से बढ़ता जरनेल सिंह तक आ पहुँचा। एक नकार से एक स्वीकार की यात्रा नाम की ही गौरव गाथा है। आज सोए हुओं को जगाने, अज्ञानियों को चेताने और नागरिकों को कमाने की कला सिखाने की खातिर जागरण दिवस, फ्री कैंप, चेकअप टीमों की सेवाएं जोर शोर से चल नहीं वरन दौड़ रही हैं। बीमारियों की गुणगाथा आला उदल की तर्ज पर हर माध्यम से गाजे बाजे के साथ आकाश में गूंज रही है। हर घर, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कान, हर कोना बीमारियों की कथा सुनने को मजबूर है, विवश है, बाध्य है। परिणाम, बीमारी के नाम स्टेटस सिंबल हो गए हैं और सेवा नाम की सीढ़ी चढ़ आय के साधन भी। लेकिन सवाल है, बेचारे डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, थायराइड पेशेंट आदि को क्या मिलता है? इनकी ग्रह दशा क्या है? इनका भविष्य क्या है? इनको और कितने नामों से नवाजा जाएगा? कितने विशेषज्ञों, अस्पतालों, नर्सिंग होमों में चक्कर लगाना होगा? कितने और कितने प्रकार के परीक्षणों से गुजरना होगा? इनका जवाब समाज को खोजना होगा यदि जीवित रहना है तो। अब थोड़ी सी नज़र इसके आंकड़ों पर डालते हैं। 2015 में 415 लाख डायबिटीज अर्थात शुगर पेशेंट विश्व में थे। 2012 से 2015 तक 1.5 टू 5.0 लाख मृत्यु इस बीमारी से हुई। 2030 तक 552 लाख लोगों का इस बीमारी से ग्रस्त होने की आशंका है। तमाम तामझाम, अनुसंधान और अकूत धन लगाने के बावजूद ये कैसी स्थिति है? क्या हमारी स्वास्थ्य योजना त्रुटिपूर्ण है? क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम अपनी योजना का पुनराकलन करें, या हम हाथ पर हाथ रखे मूक दर्शक की तरह अपने आने वाली पीढ़ी को यूं ही मृत्यु के मुंह में जाते देखते रहें? जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जरा
सोचिए। व्यक्ति के बारे में बात करें, व्यक्ति की इकाई कोशिका है। लगभग 7 करोड़ कोशिकाएं शरीर की रचना में भाग लेती हैं। 1 से 2 और 2 से बढ़ती यह संख्या करोड़ पहुंच जाती। अदृश्य कलाकार की कुशल तुलका से असंख्य कृतियां काल के रहस्यमय कैनवास पर उतरती रहती हैं। अद्वितीय, अप्रतिम, अतुलनीय ये कोशिकाएं अनवरत उत्पन्न होती और मरती रहती एक निर्धारित समय तक, जिसे आयु कहा जाता है। मरने और मिटने की यह क्रिया समानुपाती होती है और आयु की अवधि, गुणवत्ता और जीने की वासना पर निर्भर करती है। इस समीकरण का संतुलन व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति को बताता है। प्रत्येक कोशिका जुगनू की भांति चेतना के प्रकाश से चमकती है और बुझती है। चेतना का यह सतत प्रवाह ही जीवन है और इस प्रवाह का रुकना ही मृत्यु है। पूर्ण मृत्यु में चेतना का कोशिका में प्रवेश बंद हो जाता है, जीवन का भौतिक शरीर से विच्छेद हो जाता है। प्रत्येक कोशिका में प्रविष्ट चेतना इसके स्पर्श से स्थित ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और कोशिका को गति देती है। अतः जीवन का यह तल गत्यात्मक है यानी कि डायनेमिक है, प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। कोशिका में चेतना के प्रवेश की गति में आए किसी भी प्रकार के अवरोध से जीवन धारा प्रभावित होती है। यह अवरोध कोशिका के कवच की प्रकृति के बदलाव, उसकी अंतः संरचना और चेतना की दिशा में आए बदलाव पर निर्भर करता है। इसका परिणाम होता है जीवन को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का अभाव और तदनानुसार शरीर का क्रमशः पतन। इस प्रक्रिया को आप क्या नाम देते हैं, यह आपकी मनोदशा व शरीर की वासना पर निर्भर करता है, मान और मान्य पर निर्भर करता है। मानने के लिए 250 साल की गुलामी है और मान्यता के लिए अकूत धनराशि, राज की सहायता और एकदम एक साथ सब कुछ पाने की लालसा है। भय और संस्कार से सब कुछ कराया जा सकता है, किया जा रहा है, उसके लिए ही नाम चाहिए। तब झूठ फैलाया जा सकता है, मनवाया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है। परिकल्पना पदार्थ की उड़ान। आधुनिकता यह है, तथाकथित चिकित्सा साथ, इसके बावजूद विज्ञान के लिए अब सब कुछ ऊर्जा है और पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, पदार्थ से ही चिपका हुआ है। इसलिए उनकी कल्पना की उड़ान पदार्थ के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती है। वह कहता है, ग्लूकोज ईंधन है, कोशिका कमरा या मकान या महल है, इसके दरवाजे पर ताला लगा है, कुंजी है। इस प्रकार निम्नलिखित कुल मिलाकर 4 घटक हैं, ग्लूकोज, नंबर 2 कोशिका, नंबर 3 ताला, नंबर 4 कुंजी। इसमें पहला अर्थात ग्लूकोज बाहरी और अन्य 3 अंदरूनी है। कहानी के अनुसार हर आहार हमारी अंदरूनी व्यवस्था द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल दिया जाता है। क्यों? ताकि इन रासायनिकों को बनाकर बेचा जा सके। कोशिका की खराबी से ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता, इसके लिए अमेरिका में तैयार गोली खाइए। ग्लूकोज जाने के लिए कोशिका के दरवाजे पर लगे ताले को कुंजी खोलना पड़ता है। कुंजी का नामकरण इंसुलिन हुआ। अब स्थितियां हो सकती हैं, कुंजी नहीं, 2 कुंजी है लेकिन ताला खोल नहीं पाती, 3 ताला खराब है। यह ताले कुंजी का खेल जीवन भर चलता है, जब तक कि मरीज इस दुनिया से अन्य अंगों से कर्म से हाथ धोता
कूच न कर जाए। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या जीवन अंगों का ही जोड़ है? सोचिए और पदार्थवाद के चंगुल से अपने को मुक्त कीजिए। धन्यवाद।